सीबीएसई 10 के बोर्ड एग्जामिनेशन में किस कलर के पेन का इस्तेमाल करना चाहिए लिखने के लिए, लेट्स गेट स्टार्टेड एंड लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड कि बच्चों का मोस्ट प्रेफर्ड कौन सा, सीबीएसई का रूल क्या कहता है। तो मोस्ट प्रेफर्ड कलर्ड पेन इज बेसिकली ब्लू कलर, लेकिन सीबीएसई के रूल के हिसाब से आप ब्लू कलर या तो ब्लैक कलर के पेन से लिख सकते हो, ऐसा कोई भी नहीं कि आप नहीं लिख सकते हो। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि भाई आप बॉल पॉइंट पेन का इस्तेमाल करें या तो कोई ऐसे पेन का इस्तेमाल करें जिस जो वाटर प्रूफ हो, ताकि जब पेपर लिखते वक्त आपके आंसू गिरेंगे उसके वजह से जो लिखा हुआ है वो मिट ना जाए, ठीक है। या तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान भी आपके पेपर्स को आपके रीजनल सीबीएसई ऑफिस तक जाना होता है, उस दौरान भी कोई डैमेज ना पहुंचे जो भी आपने लिखा, वरना मार्क्स नहीं मिलेंगे भाई साहब। अब डायग्राम बनाने के लिए आप कलरफुल ग्लिटर पेन का इस्तेमाल, स्केच पेन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं कर सकते हो, रंग बिरा बनाकर मत आना। डायग्राम सारे के सारे पेंसिल्स होने चाहिए, नॉट इवन विद ब्लू और ब्लैक पेन। रफ डायग्राम बना रहे हो पेंसिल से ही बनाने, सारे लेबलिंग भी पेंसिल से होने हैं, आप कोई भी और कलर या तो कोई भी और चीज का इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, इन चीजों को ध्यान रखिएगा। वैसे आप कौन से कलर का पेन ले जाने वाले थे आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। पीस।